गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल मित्तल बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सब कैसे हैं? जैसे कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने कल देखा कि एक गोवा से भी मुझे कॉल कर रहे थे और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। उन्होंने मेरी वीडियोस देख के काफ़ी हद तक उन्होंने सीख लिया। हिली एरिया में रहते हैं वो। उन्होंने बोला कि चढ़ाई के ऊपर बार बार मेरी गाड़ी बंद हो जाती है और नाइट में मुझे चलाने में दिक्कत आती है। जजमेंट नहीं ले पाते हैं कि रात में कैसे गाड़ी को चलाना चाहिए, किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। तो आज जो मेरी वीडियो है ये नाइट के ऊपर है कि रात में किस तरीके से लाइटिंग को और किस तरीके से रोड पे जजमेंट लेना चाहिए। तो सो प्लीज़, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आगे हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मॉर्निंग का करीब 5:30 का टाइम हो रहा है और मैं रिंग रोड पे हूँ NH 34 पे, और मेरे साथ हैं मेरे एक फ्रेंड हैं जो गाड़ी सीख रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजीव चतुर्वेदी। कहाँ से हैं आप? मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट से। ओके, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? फाइव सिक्स डेज लगभग है ना। और अभी कौन से गियर में गाड़ी चल रही है? तीसरे, थर्ड गियर में। थर्ड गियर की स्पीड क्या होती है मिनिमम मैक्सिमम? 40, 40। हाँ ओके, मैक्सिमम 40, मिनिमम 30। जैसे कि आपने देखा, अभी आप देख रही हैं रिंग रोड है। रिंग रोड पे आपको देखिए दो लाइनें दिख रही हैं वाइट कलर की, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। रात में क्या होता है कि इन लाइनों को देख के हमें गाड़ी को ड्राइव करना होता है, जजमेंट लेना होता है सामने से, क्योंकि आइडिया नहीं लग पाता है। और ख़ासतौर से सर्दियों में तो वैसे फूक वगैरह पड़ता है तो जजमेंट नहीं आता। तो लेफ्ट में आप देखेंगे पॉइंट्स बने हुए हैं वाइट लाइन के जस्ट बगल में, ये रात में चमकते हैं, इससे हम जजमेंट, हमारा जो लेफ्ट में गाड़ी का एंटीना है इससे आप देखेंगे तो एंटीना लाइन के अंदर है और एंटीने से जो स्टिक लगी हुई है इससे करीब करीब 3 से 4 फीट गाड़ी अंदर है, तो इससे हमें जजमेंट मिल सकता है। और राइट साइड में आप देखेंगे वाइट लाइन है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में हमारी गाड़ी, तो ये लाइनें वाइट इसलिए बनाई जाती है ताकि रात में गाड़ी चलाने से दिक्कत ना हो, जजमेंट आ जाए कि हमारी गाड़ी किस साइड में चल रही है और कितना गैपिंग है और कितना स्पेसेस है। तो इस तरीके से आप जजमेंट कर सकते हैं नाइट में। और या फिर अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो डिवाइडर है, आप थोड़ा सा राइट, धीरे धीरे गाड़ी दबाइए, राइट सिग्नल दे के, राइट का सिग्नल दीजिए और साइड मिरर में देख के, हाँ आप गाड़ी दबाइए राइट और दबाइए थोड़ा, हाँ गुड। अब आप देखेंगे राइट साइड में एक वाइट लाइन और बनी है, डिवाइडर जो है आपका उससे लगभग 1 फीट की दूरी है। स्पीड कम करिए, गियर डाउन करिए क्योंकि स्पीड ब्रेकर है। पूरा क्लच दबा के सेकंड गियर करिए, पूरा फुल क्लच दबाइए, हाँ स्पीड कम, जाने दो, छोड़ो क्लच ब्रेक छोड़ो धीरे धीरे, काफ़ी बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं। गुड, आपने देखा ये राइट साइड में देखेंगे एक वाइट लाइन है जो कि डिवाइडर से 1 फीट की दूरी पर है, जाने दीजिए। ये इसलिए लाइन होती है कि अगर आप डे हो चाहे नाइट हो, अगर आप राइट साइड में गाड़ी दबा के चल रहे हो तो ये लाइन क्रॉस नहीं करनी। अगर आपने ये लाइन क्रॉस कर दिए तो कभी भी आपकी राइट साइड में गाड़ी टकरा सकती है डिवाइडर से, तो ये वाइट लाइन इसलिए होती है। तो आप जब भी हाईवे पे गाड़ी ड्राइव करो, ये लाइनें जो होती हैं हाईवे पे ही होती हैं, ज़्यादातर हाईवे पे होती हैं, रिंग रोड हो गया या हाईवे हो गया या कोई बाईपास है, इस तरीके के रोडों पर। लोकल एरिया में ये लाइनें नहीं बनी होती हैं, तो इन लाइनों को बहुत ज़रूरी है समझना, कैसे समझेंगे, किस तरीके से इसको हम ध्यान देंगे। और रोड पे देखेंगे आप, अभी मेरे सामने एक टाटा सफारी निकली है, ठीक है। तो अपना जब हमारी गाड़ी रोड पे चलती है तो अगली गाड़ी से हम जजमेंट कैसे लेंगे, अपनी गाड़ी से जजमेंट हम कैसे लेंगे, तो इस तरीके से सामने वाले की लाइटिंग को देख के हमें जजमेंट लेना होता है। हल्का लेफ्ट रखिए, जजमेंट लेना होता है कि सामने वाली गाड़ी की दूरी क्या है, क्योंकि नाइट में चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। रास्ता उतना ही दिखता है जितनी आपकी लाइट की फोकस जाती है, 100 मीटर के आसपास आपको लाइट का फोकस जाता है। उसके बाद जैसे जैसे गाड़ी आपकी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे रास्ता आपका क्लियर होता जाता है। सामने वाली गाड़ी की लाइटों से आप जजमेंट भी ले सकते हैं कि सामने जो कार जा रही है उसकी लाइट के हिसाब से आप ड्राइव कर सकते हैं। उसकी लाइटों की लाइट जब ऑन होती है तो उससे आप जजमेंट थोड़ा सा ले सकते हैं, किस तरीके से लाइट ऑन है और कैसे लाइट किस डायरेक्शन में है। तो अगली गाड़ी जिस तरीके से निकल रही है उसी को आप फॉलो करके आप अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। अभी जैसे ये चौराहा आ गया यहाँ पर, ये टेढ़ी पुलिया का चौराहा, काफ़ी रश रहता है। अभी यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है काफ़ी ज़्यादा, हाँ सीधा स्ट्रेट चल रहा है, काफ़ी जाम भी लगता है यहाँ पर, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है लोगों को। तो ऐसे चौराहों पर गाड़ी निकालना बहुत ही टफ होता है, बहुत ट्रैफिक होता है। तो जब भी हम कोई चौराहा क्रॉस करेंगे उससे पहले चारों तरफ देख लेंगे, दाएँ बाएँ देख लें, उसके बाद अपना हॉर्न वगैरह देख के, ब्रेक कंट्रोलिंग वगैरह देख के, सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। कभी भी चौराहों पे फास्ट नहीं ड्राइव करना है, बहुत ही स्मूथली चलना है ताकि सारी चीज़ें धीरे 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 आपको नज़र आती रहे। हल्का लेफ्ट रखिए आप, हाँ चलते रहिए। खास तौर से जो
सर्दियों में फोग जम जाता है ग्लास के ऊपर, अभी आपने देखा होगा ग्लास अंदर से काफ़ी गंदा हो गया था, अंदर कुछ दिख नहीं रहा था, धुंध टाइप का हो गया था लेफ्ट आइए। अब इस तरीके ऐसी कंडीशन में क्या है, आप इसको साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो राइट ऑफ राइट सामने का कुछ भी आपको क्लियर नहीं दिखेगा, या हल्का सा साइड विंडो खोल सकते हैं, थोड़े से डाउन कर लेंगे तो एयर पास होती रहेगी तो वो नहीं जमेगा। प्लस दबा के थर्ड गियर डालिए, हो गया, छोड़िए। आपने क्या गलती करी पता है, आपने क्लच दबा रखा था और एक्सेलेटर दे रहे थे, पहले हमें प्रॉपरली क्लच को रिलीज़ कर देना उसके बाद एक्सेलेटर करना है। हाँ, फर्स्ट गियर में जब आप गाड़ी उठाते हैं तो हल्का सा एक्सेलेटर के साथ क्लच छोड़ सकते हैं, जो ऑलरेडी आपकी सेकंड गियर में गाड़ी चल रही थी, अभी देखो आपने 50% क्लच दबा रखा था ना, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरे साथ अभी आप हो तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जब कल को आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो फिर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें जल जाएंगी, क्लच प्लेटें करीब करीब 1-2 लाख के आसपास चलती हैं, और अगर क्लच प्लेटें जल जाएंगी तो गाड़ी आपकी बढ़ेगी नहीं। आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक आ रही हैं, विदाउट क्लच स्टार्ट ही नहीं होती है, तो अगर क्लच प्लेटें गई तो आपकी गाड़ी इंजन ही ऑन नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्लच का बहुत बड़ा रोल होता है, ये इंजन की जो की है, आप जैसे ताले की होती है, चाबी होती है, उस तरीके से इंजन की जो है आपकी गाड़ी की इंजन की ये की है क्लच। अब जैसे यहाँ पे चौराहा था, थोड़ा सा हॉर्न दे के चारों तरफ देख के आपको तब निकालना था, और गाड़ी आपकी लहरानी नहीं चाहिए, बहुत ही आराम से चलना है आपको, बहुत प्यार से चलना है, हाँ स्ट्रेट जाना है। अब आगे इंजीनियरिंग कॉलेज का चौराहा आ रहा है, जैसे साइड से आपके ट्रक निकला राइट साइड से, तो कभी भी हाईवे पे गाड़ी लहरानी नहीं चाहिए, सीधी सीधी आप चलाते रहोगे, पीछे से जो भी ट्रैफिक आएगा वो अपने आप ओवरटेक, कुछ लोगों की आदत होती है राइट लेफ्ट गाड़ी दौड़ाते रहते हैं ना, उससे एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो कभी भी आप हाईवे पे चल रहे हैं, किसी भी रोड पे चल रहे, गाड़ी को लहराना नहीं है, लेफ्ट साइड में राइट साइड वाले जो साइड मिरर हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो इन पे भी हमें ध्यान देना है ताकि कोई गलती ना हो जाए, किसी की गलती से किसी की जान चली जाती है। अब यहाँ पे चौराहा है तो थोड़ा सा हॉर्न देके और ब्रेक पे पैर रख के चारों तरफ नज़र मार के, क्योंकि चौराहे पे सुबह का एक्सीडेंट बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जब रोड खाली होता है तो लोग सोचते हैं कि खाली ही निकाल लो, तो फास्ट निकालते हैं तो उस पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हल्का लेफ्ट आइए, राइट गाड़ी भाग रही है, वाइट लाइन्स पे फोकस करिए आप। अब लेफ्ट वाला टायर ही लाइन पे लेके आइए, लेफ्ट वाला टायर बटर, हाँ अभी आप एंटीना से मैच कर सकते हैं कि जो एंटीना स्टिक लगी हुई है इससे गाड़ी कितनी दूरी है, नहीं कैच कर पा रहे, और लेफ्ट आइए हल्का, हाँ जाने दीजिए, गुड। अब यहाँ पे हल्का एक्सेलेटर लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी, चढ़ाई है, बढ़ाइए स्पीड थोड़ा और, बढ़ाइए और लेफ्ट रखिए ना, गाड़ी आपकी धीरे धीरे राइट भाग रही है, रोड्स के हिसाब से ही आपको गाड़ी धीरे, जैसे भी रोड है उस तरीके से गाड़ी लेफ्ट ही रखना है, क्योंकि जो भी आपको ओवरटेक करेगा वो किस साइड से करेगा, राइट साइड से, तो अगर आप राइट ज़्यादा दबा के चलेंगे और स्लो चलेंगे तो पीछे वाले को ट्रैफिक दिक्कत होगी फिर, तो अपना लेफ्ट दबा के रखेंगे और आसानी से सारी गाड़ियाँ आपको ओवरटेक करती चली जाएंगी। और थोड़ा लेफ्ट आइए, हाँ अभी जैसे फ्लाईओवर था, गाड़ी कौन सी गियर में आपकी है, थर्ड गियर में, ठीक है ना, ये थर्ड गियर में आपकी गाड़ी थी, और आपने क्या करा, गाड़ी की स्पीड थी चढ़ाई पे 20-30, अगर आपकी 20 माइनस में स्पीड चली जाती तो ये गाड़ी चढ़ नहीं पाती, झटके मार के बंद हो जाती, फिर पीछे गाड़ी भागने लगती है आपकी, क्योंकि चढ़ाई पे अगर गाड़ी बंद हो जाती है तो वहाँ पे हमें हैंड ब्रेक ले लेना होता है, तो हैंड ब्रेक और क्लच और एक्सेलेटर का तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के फिर गाड़ी मूव करनी होती है, नहीं तो गाड़ी पीछे जाएगी, जब आप ब्रेक से पैर हटाओगे तभी एक्सेलेटर दोगे, और जब एक्सेलेटर नहीं दोगे तो गाड़ी पीछे जाएगी, और जब आप ब्रेक से पैर हटाओगे तो गाड़ी पीछे जाएगी। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, क्लच दबा के ब्रेक ले लिया, गाड़ी फर्स्ट गियर में डालेंगे, क्लच को नॉर्मली क्या करते हैं, पहले ब्रेक छोड़ते हैं, बट ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, पहले क्लच को 50% रिलीज करना है, जब हम 50% क्लच को रिलीज करेंगे तो गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाएगी, और गियर कौन सा लगा है, फर्स्ट, तो गाड़ी आगे की तरफ मूव हो जाएगी, फिर हमें थोड़ा सा ब्रेक छोड़ना है कि ताकि इंजन अपनी कंडीशन में आ जाए, बस हल्का सा ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी धीरे धीरे आगे मूव करने लगेगी, बस एक्सेलेटर लेके हल्का सा, और उसके बाद गाड़ी आपकी चढ़ाई पे चढ़ जाएगी। अब इसे ढलान है, यहाँ पे ढलान है ना, तो यहाँ पे हल्का सा ब्रेक पे पैर आना चाहिए, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी अपने आप ही बगैर एक्सेलेटर के, हाँ हॉर्न मारी, जाने दीजिए, गुड, लेफ्ट वाली रो से निकाली, लेफ्ट वाली साइड से, हाँ चलते रहिए, गुड गुड, और लेफ्ट आइए, बढ़ाइए थोड़ी स्पीड, सामने ट्रक है, देखिए बहुत ही हल्की लाइट्स है,
हल्का हल्का चमक रहा है, वो भी उसकी जो बैक लाइट जल रही है पार्किंग उससे पता चल रहा है। तो ये जजमेंट है हाईवे पे, अभी कितना गैप होगा आपकी और ट्रक में? 70 meters के आसपास, हाँ 50 to 70 meters। तो इस तरीके हाईवे पे इतना गैप बना के भी चलना है हमेशा, इतना गैप तो रहना ही चाहिए कि ताकि अचानक अगर कोई सामने वाला ब्रेक मार दे तो आपके पास इतना स्पेसेस होना चाहिए कि आप एट ए टाइम अपनी कार को कंट्रोल कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि आज नाइट में मैंने वीडियो बनाई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है ड्राइविंग में तो आप मुझे अगर कमेंट में लिखेंगे तो उसी पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।